हेलो प्लांट्स लवर वेलकम टू आवर चैनल इन वैल्यूएबल ग्रीनरी आज की वीडियो है नारंगी के पौधे के ऊपर कि हम नारंगी के पौधे से ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स कैसे ले सकते हैं एंड उसकी जो लीफी ग्रोथ है वो कैसे अच्छे से कर सकते हैं जिससे हमारे प्लांट्स पर जो लीव ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है वो ना हो एंड हमारे प्लांट पर जो फ्लावरिंग होती है वो अच्छे से फ्रूट्स में कैसे कन्वर्ट हो सके सो so, इन सभी चीज़ों के लिए मैं आज एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं तो कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा एंड वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें अपनी प्रॉब्लम एंड कर के लिए मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरी इंस्टा का मेडी वीडियो में शो हो रही है एंड लिंक आपको प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो वीडियो करते हैं स्टार्ट ये है हमारा नारंगी का पौधा इस पर जितने भी फ्लावर्स लगे हुए थे नाइन्टी परसेंट वो सारे ही फ्रूट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं आप देख सकते हैं इस प्लांट की ग्रोथ है वो कितने अच्छे से चल रही है एंड इस पर जो लीव्स है वो कुछ येलो होकर ड्रॉप हो रही हैं सो so, इस प्रॉब्लम का भी रीज़न मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा सबसे पहले हम लोग अपने पॉट की जो सॉइल है उसको कर लेते हैं क्लीन एंड आपको सॉइल का बहुत ध्यान देना है इस प्लांट पर इस प्लांट की जो सॉइल है वो थोड़ी सी सॉफ़्ट या पोरस होनी चाहिए इस पर जो वाटरिंग हम करें तो ड्रेनेज होल से ओवर जो वाटर है वो सारा निकल जाना चाहिए अगर इस प्लांट पर जो वाटर है वो रुकेगा सो हमारी प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो होकर ड्रॉप होने लगेंगी यहाँ पर कानपुर पर दो तीन दिन से कुछ ज़्यादा बारिश हुई जिस वजह से इस प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो हो गई हैं सो तो मैं इसे कुछ फर्टिलाइजर अभी अप्लाई करूँगा जिससे हमारे प्लांट की जो लीव्स की ग्रोथ है वो वापस से ठीक हो जाएगी सो तो वीडियो को आप भी एंड तक वॉच करेंगे जिससे आपकी प्लांट की जो लीव प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके तो सबसे पहले हमें अपने प्लांट की जो सॉइल की गुड़ाई कर लेनी है कुछ इस तरह से एंड आपको खुरपी ज़्यादा नीचे तक नहीं करनी है जिससे इसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो एंड ऊपर की जो सरफेस है उसे ही हमें गुड़ाई कर लेनी है उसके बाद अगर आपके प्लांट पर जो भी घास वगैरह जो छोटे छोटे से प्लांट्स खरपतवार निकल आते हैं उन्हें भी हटा देना है क्योंकि हम जो फर्टिलाइज़र देंगे वो हमारा नारंगी का पौधा सक नहीं कर पाएगा बट वो जो प्लांट्स होते हैं वो पहले ही सक कर लेंगे तो हमें सबसे पहले अपने प्लांट पर देनी है नीम खली को जिस तरह से ये हमारा नीम केक का पाउडर है एंड आप डायरेक्ट नीम केक का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने इसमें लगभग 10 से 20 ग्राम तक नीम पाउडर का इस्तेमाल किया है कुछ इस तरह से पूरे पॉट में आपको सॉयल में अच्छे से मिक्स कर देना है एंड उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से सीविड सीविड ग्रैनुल्स फॉर्म में हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड आपके पास अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो आप उसको भी एक लीटर पानी में पाँच से दस एम एल डायल्यूट करके डायरेक्ट सॉयल में भी एंड स्प्रे फॉर्म में आप पर दे सकते हैं आपको उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आपके प्लांट पर जो फ्लावरिंग है वो फ्लावर्स आकर कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं फ्रूट्स में और जो फ्लावर है वो ड्रॉप हो जा रहा है सो आपको उसके लिए बोन मिल का यूज़ करना है बोन मिल आपको एक मुट्ठी दस इंच के गमले के हिसाब से आपको अपने प्लांट पर अप्लाई करना है आ, हर पंद्रह दिन में आपको बोन मिल का इस्तेमाल करना है जिससे आपके प्लांट पर जो फ्लावरिंग आ रही है वो बर्ड्स सारे ही फ्रूट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे एंड आपको अपने प्लांट पर वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अगर इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग हो गई सो इस प्लांट की जो लीव्स हैं फ्लावर्स हैं वो ड्रॉप होने लगती हैं एंड अगर आपके प्लांट की ग्रोथ वो बहुत अच्छे से नहीं हो रही है लीव ग्रोथ नहीं हो रही है सो आपको लीव कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडम कंपोस्ट इन तीनों में से किसी एक कंपोस्ट का आपको यूज़ करना है हर पंद्रह से बीस दिन में एंड आपको अपने प्लांट को सिक्स टू सेवन हावर की सनलाइट जरूर प्रोवाइड करानी है वरना आपके प्लांट पर जो फ्रूटिंग है वो नहीं हो पाएगी और आपका प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से निकल कर नहीं आएगी सो so, आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर हैप्पी गार्डनिंग